चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ, आप भी साथ के साथ बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट और पी एंड एल। नोट नंबर, हम नोट कैसे बनाएंगे, पहले आइटम देखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ का पार्ट होता है, चेंज इन इन्वेंट्री, तो एक हमें बनाना चाहिए चेंज इन इन्वेंट्री का नोट, चेंज इन इन्वेंट्री। इसमें क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस, भाई बोर्ड पे ध्यान दो आप किस चीज़ की बातें चल रही हैं, क्वेश्चन हुआ नहीं आप लोगों से तो बोर्ड पे ध्यान दो क्या आंसर है वो करेक्ट करेंगे मैच हम। ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कितने का ओपनिंग 186,420, और आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में इसके ऊपर एडजस्टमेंट का नोट भी करा दिया था, सर कैसे नोट होता है, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और कहता है परचेज एंड सेल्स, तो डेबिट में जो है परचेज और क्रेडिट में है सेल्स। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे रखा है सेल्स रिटर्न दे रखा है तो नोट बना लेंगे, अदरवाइज हम सीधा पी एंड एल में पुट कर देंगे। तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दे रखा है तो ये ज़्यादा बड़ा नोट तो होने वाला नहीं है, ये यहीं तक रहेगा, तो हम एक बनाएंगे परचेज, एक बनाएंगे परचेज। किसका एरर है, शायद किसी स्टूडेंट का एरर है जिसकी फर्स्ट क्लास है, मैं भी बताता हूँ। क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, चेक कर लीजिए आप। परचेज और सेल्स, तो मैंने एक परचेज का नोट बनाया, सर परचेज कितने अमाउंट का गिवन है, 718,210। इसके बाद एक बनाएंगे सेल्स का, यहाँ पे नोट नंबर नहीं डालना, सेम यहाँ पे नोट नंबर नहीं डालेंगे, बस डाल दिया हमने सेल्स का, या फिर इसको सेल्स ना बोल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको बोलेंगे परचेज ही बोलेंगे इसको, हालांकि इसको कई बार रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोल देते हैं। सर सेल्स का अमाउंट क्या है, 11,169, ठीक है। आगे कहता है रिटर्न, रिटर्न दोनों का दे रखा है, तो हमेशा याद रखिएगा जो डेबिट में रिटर्न होता है वो होता है सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में रिटर्न होता है वो होता है परचेज रिटर्न। देखो सेल्स है डेबिट में तो सेल्स रिटर्न उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस होगा तो यानी साइड चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम देखते हैं, सबसे पहले माइनस कर देते हैं यहाँ पे परचेज रिटर्न, और यहाँ माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न, ये क्या है 9,850, और ये 12,680। आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस आल्सो पार्ट ऑफ, बताइए वेजेस किसका पार्ट है, एम्प्लॉय बना लेते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट का भी इतना बड़ा नहीं बनता तो उसी के हिसाब से मैं बना लेता हूँ नोट, और एम्प्लॉय को मैं डबल ई से डिनोट कर रहा हूँ, बेनिफिट बेनिफिट एम्प्लॉय बेनिफिट। सर टेलीग्राम पे क्वेश्चन किस नाम से है, मैंने टेलीग्राम पे फाइनल अकाउंट क्वेश्चन 16 के नाम से अभी अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो वेजेस भी चलेगा, वेजेस कितने का है, अब 1,09,740। अब ध्यान दीजिए हमें ना एक बार एडजस्टमेंट गो थ्रू हो जाना चाहिए सो दैट हमें पता चल जाए कि किसके लिए हमें जगह छोड़नी है किसके लिए नहीं छोड़नी। तो यहाँ पे कहता है सैलरी के लिए है, भाई वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है सैलरी भी है तो बाद में देखेंगे इसको, क्लोजिंग स्टॉक है और डेप्रिसिएशन वगैरह कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ मेक प्रोविजन फॉर टैक्स
और डायरेक्टर रिकमेंडेशन कहता है ट्रांसफर जनरल रिजर्व में करना है 5%। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरल रिजर्व वाली बात इंपॉर्टेंट है, आराम से करेंगे, कोई भागने की जरूरत नहीं है कहीं भी, जल्दी जल्दी। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, आप नेक्स्ट मैं बोलूँ तो आप भी बोलते जाइएगा सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो ये अदर एक्सपेंस का पार्ट होता है। अगर अदर एक्सपेंस का पार्ट है तो उसके लिए आपको पता है कि स्पेशली ज़्यादा जगह छोड़नी है हमें, नोट आ गया ये अदर एक्सपेंस का। अदर एक्सपेंस क्या था हमारा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अमाउंट क्या है 19,240, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कहता है कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है किराया सामान लाने का। कैरिज इनवर्ड को दो जगह दिखाया जाता है, कई बार आप परचेज में ऐड कर देते हो और कई बार आप अदर एक्सपेंस में भी दिखा सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर मैं बात करता हूँ मैं कहाँ दिखाऊंगा, चलो परचेज का नोट बनाया तो यहीं ऐड कर देते हैं कैरिज, अगर आउटवर्ड हुआ तो वो नहीं होगा, आउटवर्ड तो अदर एक्सपेंस का ही पार्ट है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अमाउंट क्या है 4,910, 4,910, हाँ तो डेबिट ही जाएगा ना, खर्चा है तो परचेज तो डेबिट ही जाएगा, वो आप क्रेडिट में दे रखा है, ये मुझे तो डेबिट ही दिख रहा है। आगे देखते हैं 8% बैंक लोन सिक्योर्ड, सर अब 8% बैंक लोन सिक्योर्ड बोला हुआ है 18%, तो ये 18% का कुछ ना कुछ तो काम है परसेंटेज निकालने का, और बैंक लोन सिक्योर्ड बोला हुआ है तो इसका किस तरीके से है? देखते हैं आगे चल के, लोन से रिलेटेड कुछ होगा नहीं, क्या और भी कोई बोरिंग है, नहीं है, तो सीधा 18% बैंक लोन पहले तो आप बैलेंस शीट में लिखिए जाके, लॉन्ग टर्म बोरिंग के ब्रैकेट में लिखिए 18% बैंक लोन, दैट्स इट। 18% पे मैं स्टार लगा लेता हूँ, इसके ऊपर इंटरेस्ट की हम बाद में डिस्कशन करेंगे, मैं पूरा आज बताऊंगा अभी, ठीक है। 18% चलिए भाई, जिनका डाउट है मैंने कहा था लाइव क्लास में लेंगे, तो पहले मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन ही है तो इसको देखिए, इसके बाद जब मैं सेटिंग देखूंगा, जब आपको नोटिंग का टाइम दूंगा तो सबसे पूछ पूछ के एक डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, तो मैंने अदर एक्सपेंस के लिए थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ दिया। इसके बाद यहां बन गया हमारा नोट और ये है फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट है कितने रुपए का सर, इंटरेस्ट बताइए 45, ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन किया है मैंने, बताया था किया नहीं है, चलो 4,500। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के बाद ऑफिस का सैलरी, सर ऑफिस का सैलरी भी एम्प्लॉय बेनिफिट, इस पे एडजस्टमेंट है, ऑफिस सैलरी अमाउंट बताइए 17,870, अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे आउटस्टैंडिंग है तो हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते गए तो आगे हमें क्या मिलता है, इसके बाद ऑडिट फी अदर एक्सपेंस का पार्ट, ऑडिट फी, सर ये क्या होता है ऑडिट फीस, जो अकाउंटेंट जो बाहर से आते हैं हमारे अकाउंट्स को चेक करने के लिए, ऑडिटर रखना कंपनी में मैंडेटरी होता है तो उनकी फीस ऑडिट फी का पार्ट है, बताइए कितने रुपए 8,600। नेक्स्ट और आगे हम चलें, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे चलेंगे तो डायरेक्टर रेमुनरेशन का मतलब सैलरी है,
रेमुनरेशन का मतलब तो डायरेक्टर का सैलरी है, तो उसको हम यहाँ दिखा देंगे एम्प्लॉय बेनिफिट में। डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एम्प्लॉय है, तो डायरेक्टर सैलरी रेमुनरेशन। सर एक डायरेक्टर, मैं पूरा तो नहीं लिखा, लिख देता हूँ। हाँ जी देखो, फीस जो होता है ना, फी, तो फी का मतलब मैंने बताया था डायरेक्टर क्या करता है, कहीं एक्स्ट्रा काम करने जाता है तो हम उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं है। लेकिन रेमुनरेशन क्या है, आपको वर्क करने का हर मंथ का फिक्स सैलरी है, तो ये सैलरी का पार्ट है। इसलिए डायरेक्टर रेमुनरेशन को कहाँ दिखा देंगे हम, एम्प्लॉय बेनिफिट में, और डायरेक्टर फी होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, अदर एक्सपेंस में। बताइए डायरेक्टर रेमुनरेशन कितने का, रेमुनरेशन 26,250 रुपए, 26,250 रुपीस। नेक्स्ट और आगे बढ़ते गए तो आया हमारा प्रिलिमिनरी, इसके लिए नोट बना लेना बेटर रहेगा। नोट है अदर नॉन करंट, नॉन करंट एसेट, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है क्या, 6,000 रुपीस अंदर लिख दिया, इस पर एडजस्टमेंट है। इसके बाद फ्री होल्ड प्रेमिसेस, तो फ्री होल्ड प्रोमिसेस आपका प्रेमिसेस फिक्स एसेट्स का ही पार्ट है, तो एक और नोट बना लेते हैं, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीई नोट। सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या प्रेमिसेस बोल लो, 164 to 10। चलिए प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन हो सकता है तो थोड़ा गैप देके प्लांट एंड मशीनरी 128,400। और आगे चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर, गैप देके फर्नीचर 5,000 रुपीस। और आगे चलते हैं, लूज टूल्स, लूज टूल्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री का पार्ट होता है। तो सर यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री है और एक नॉर्मल इन्वेंट्री होता है। चेंज इन इन्वेंट्री किसका पार्ट होता है, पी एंड एल का, और नॉर्मल इन्वेंट्री पार्ट होता है हमारा करंट एसेट्स बैलेंस शीट का। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ इन्वेंट्री का भी बना लेंगे, नोट बना लिया हमने इन्वेंट्री का, एडजस्टमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। देखो लूज टूल्स ना कई बार ना इसे करंट एसेट्स का भी पार्ट मान, करंट एसेट्स तो है, कई बार फिक्स का भी पार्ट मान लेते हैं रेशियो एनालिसिस करते टाइम पे। यहां पे आपको इन्वेंट्री का ही पार्ट मानना है, तो लूज टूल्स, बताइए लूज टूल्स कितने का है, 12,000, बस अंदर लिख लिया, हम आगे देखेंगे एडजस्टमेंट। लूज टूल्स के बाद हमें दिखता है डेटर एंड क्रेडिटर, तो डेटर और क्रेडिटर इस पे ज्यादा बड़ा एडजस्टमेंट तो है नहीं, डेटर के ऊपर प्रोविजन नहीं है, तो मेक अ प्रोविजन इनकम टैक्स कहता है, डेटर पे है नहीं, तो डायरेक्टली डेटर क्या कहता है, एक बात इसमें कहता है प्रोवाइड इंटरेस्ट बैंक लोन, नहीं डेटर के ऊपर कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली डेटर ट्रेड रिसीवेबल में जाइए और लिखिए। लेकिन इससे पहले एक चेक करना है, क्या बिल्स रिसीवेबल भी है, तो डायरेक्ट डेटर को क्या करना है, डायरेक्टली लिखना है, क्वेश्चन अपने सामने रखना है आपको, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो डायरेक्टर के डेटर को जाइए ट्रेड रिसीवेबल में लिखिए जाके, लिख लिया। क्रेडिटर में भी कुछ नहीं है तो डायरेक्टली ट्रेड पेबल में जाके लिखिए, क्रेडिटर को भी ट्रेड पेबल में लिखिए। मैं उसी के लिए नोट्स बना रहा हूं जिसमें 2 से 3 आइटम है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए यहां पे आगे अगर हम देखें तो क्या कहता है,
कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक दोनों बातें हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और मैं सभी बच्चों को ये भी कहूँगा, जिन्होंने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कर लिया है बैलेंस शीट बनाना चालू करिए, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर कर लिया है बैलेंस शीट बनाना चालू करिए, क्योंकि आपको पता चल गया है जिनका एग्जाम जून में, वो तो बैलेंस शीट बना के चेक करते जाए जितने भी क्वेश्चन विदाउट बैलेंस शीट किए हैं। चलिए, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितने का है 19,530 और कैश एट बैंक 96,860। ठीक है, चलिए बाहर लिख देंगे एक साथ और आगे बढ़ते हैं। तो कहता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट जाइए बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस लिख दीजिए, डायरेक्ट जाके आपको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस लिख देना है बैलेंस शीट में। लिख लिया, डन, चेक करते हैं आगे और बढ़ते हैं। कहता है सरप्लस, तो ये सरप्लस होता है ओल्ड सरप्लस। और सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा नोट और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, कई बार इस नोट के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पीएनएल का नोट बनाओ, बात खत्म। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो नोट हमारा इसके लिए, तो रिजर्व एंड सरप्लस 2 नंबर लिखना भी चाहो तो कोई बुराई नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, मैं यहां पे ओल्ड सरप्लस 38,640। ठीक है, और आगे चलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो नोट बना के क्या फायदा, डायरेक्टली जाओ शेयर कैपिटल में अमाउंट लिख दो। और वैसे भी एडजस्टमेंट नहीं होता, बनाना चाहते हो नोट नंबर 1 तो मैं बना देता हूं। हालांकि ये लीजिए शेयर कैपिटल, वैसे मैक्सिमम केस में इसका बना लेना चाहिए पहला नोट है ये, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में। बताइए दे रखा है नहीं दे रखा, तो हम लिखेंगे पहले ऑथराइज, तब तो बनाना पड़ेगा भाई। 10 लाख है ना, एट द रेट कितने का, 10 लाख है तो डिवाइड किया 4,40,000 से 10 के, इसका ऑथराइज कैपिटल कहाँ गिवन है देखते हैं। अच्छा, पहली लाइन में 10 लाख रुपए का डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज़ ईच, बात खत्म। तो डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज़ ईच, तो इक्विटी शेयर हमारा होगा 1 लाख एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, आ गया 10 लाख, खत्म कहानी इसकी। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब कितने, 40,000 एट द रेट 10, 4 लाख आ गए। कोई कॉल सिनेरियर वाली कोई समस्या है नहीं, हम इसे बाद में लिख लेंगे, नोटिंग का टोटल करेंगे ना तब लिख लेंगे, है ना। एडजस्टमेंट पढ़े एक एक करके, किसी को कोई डाउट बताइए, कोई डाउट, एक एक करके धीरे धीरे एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दें। तो चलिए एडजस्टमेंट में कहता है 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड ऑफिस सैलरी, तो दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखें, ऐड कर देता हूँ आउटस्टैंडिंग, कितने रुपये का आउटस्टैंडिंग और ये भी आउटस्टैंडिंग, ये है 1890 और दूसरा 1200। सर इसके लिए एक नोट बनाना पड़ेगा, अदर करंट लाइबिलिटी, इसके लिए एक नोट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है अदर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और ये आ गया 1890, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आ गया 1200। ठीक है, इसके बाद आगे चलते जाते हैं। कहता है कि ऑन द सेम डेट स्टॉक दे रखा है 124,840, तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक यहां माइनस हो जाएगा, क्या अमाउंट था 1840, ये माइनस। दूसरा एक इन्वेंट्री का नोट बनाया हमने, कहां गया इन्वेंट्री, ये रहा, यहां पे लिख देंगे
क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, और ये सेम अमाउंट तो आ ही जाएगा 124,840। किसी को डाउट? आगे कहता है लूज टूल्स ना अब 10,000 के हैं, तो सर इसका मतलब इसमें से लेस कर देंगे, हालांकि डेप्रिसिएशन होना नहीं चाहिए, देते नहीं है कभी भी लूज टूल्स का। जब कभी भी स्टॉक होता है ना तो ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड होता है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन मान के आप कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ 2500 का, तभी तो निकल के आएगा 10 का, तो एक हमें डेप्रिसिएशन का भी नोट बना लेना चाहिए। तो सर डेप्रिसिएशन का नोट, अदर एक्सपेंस तो इतना सारा आया नहीं, यहाँ बना ले डेप्रिसिएशन का नोट, नोट डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? कितने रुपए का? 2500। कुछ बच्चों को हो सकता है विजुअल नहीं हो, और एडजस्टमेंट देखते हैं। कहता है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6%, हमें और 6 मंथ्स 6 महीने का और इंटरेस्ट ऑन लोन हमें प्रोवाइड करना है। तो देखा जाए तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर पहले से 4500 है, लोन था 18%, लोन 18%, 18% का मतलब कितने रुपए का लोन था आपने लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, बताइए? बस 50,000, 50,000 पे 18% और 6/12, तो ये क्या आएगा? 4500। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का? 4500, ये आ गया 9000, बाद में इसको टोटलिंग करेंगे। आगे एडजस्टमेंट पे जाते हैं, तो कहता है कि 1/3 ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, 1/3। अब देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को करने के दो तरीके हैं, या तो 1/3 राइट ऑफ करिए और अदर एक्सपेंस में दिखाइए, या डायरेक्टली आप सरप्लस में से भी माइनस कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन ठीक है आपके लिए। तो मैं अदर एक्सपेंस में लेके जाऊँगा, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर मैं देखूँ तो मैंने नोट बना रखा है, तो 1/3 कितना राइट ऑफ होगा? राइट ऑफ वाला हिस्सा अदर एक्सपेंस में जाएगा 1/3, ये 2000 रुपए अदर एक्सपेंस में जाएगा, ये 2000 जाएगा। सर ये कहां जाएगा? ये बाद में अभी देखते हैं, अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स में चला जाता है, ठीक है। आगे देखें तो मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स सबसे लास्ट का एडजस्टमेंट है, इससे पहले तो कर ही नहीं सकते हम। द डायरेक्टर रिकमेंडेशन दे रहा है फर्स्ट डिविडेंड 15%, लास्ट क्लास में बताया था डिविडेंड के ऊपर, तो इसका कोई काम है नहीं, बस नोट में चला जाएगा 15%। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, आफ्टर द ट्रांसफर 5% नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व में, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट दो है वो सबसे लास्ट में हो सकता है। अभी तक सारा काम डन कर लिया, अब डेप्रिसिएशन रह गया, अच्छा थर्ड पॉइंट रह गया, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, फर्नीचर पे 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन, और ये आ गया 19,260, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट? 10%, 500। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सारा डन। डबल एंट्री डेप्रिसिएशन का नोट बनाया ना हमने, प्लांट एंड मशीनरी प्लस आपका फर्नीचर, मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारा 500 और 1960, तो 19,760 इकट्ठा लिख दिया मैंने। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई दोबारा पूछना मत कि कैसे आया, अभी मैं बता रहा हूँ, सुन लो आप। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, इन दोनों के डेप्रिसिएशन को जोड़ के इकट्ठा लिख दिया है मैंने, स्पेस कम होने की वजह से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब बस टोटलिंग का काम रह गया, फटाफट मैं टोटल करता जाऊंगा और आपको पुट करते जाना है कहां कहां जाएगा। 186,420, 124,840, 61,580, वो भी नेगेटिव का नहीं, पॉजिटिव आएगा,
पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 718210 - 9850 9850 + 4910, ये आ गया 713270। नोट लिखते जाएंगे आप, इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं 116990 12680, ये आ गया इसका टोटल करने के 1157220। चलिए अगले पे आ जाते हैं 109740 - 1890, ये आ गया 107850 178। मैंने माइनस तो नहीं कर दिया, हाँ प्लस करना है ना, 109740 प्लस 1890 111630। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जनरल रिजर्व वाला पॉइंट 178 70 1290 1970। चलिए टोटल 26250, यह आ गया 156950। अब आ जाते हैं अदर एक्सपेंस में, कुछ बचा ही नहीं, बहुत कम था, यह आ गया 29840, ये आ गया 9000 टोटल, ये आ गया टोटल 4000, ये आ गया टोटल 222260। ये है हमारा पीपीई, वन जीरो नाइन वन फोर जीरो, ये 4500 प्लस 4500 164210 277850। अब आ जाते हैं यहाँ 134840 1953096860 116390। चलिए सरप्लस को तो सबसे लास्ट में लेंगे, ये ले लिया 1890 7590। अब फटाफट नोट नंबर डालिएगा, शेयर कैपिटल को आपने नोट नंबर क्या दिया है, लिखते जाइए बैलेंस शीट में एक, रिजर्व एंड सरप्लस को। इसके बाद नंबर तीन दिया होगा हमने किसको, नंबर तीन अदर करंट लायबिलिटी, नंबर चार पीपीई, नंबर पांच, सही चल रहा हूं ना मैं, नंबर पांच किसको दिया होगा, नंबर पांच दो नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स नंबर पांच, नंबर छह किसको दोगे, इन्वेंट्री, नंबर सात किसको दोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नंबर आठ किसको दोगे आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर नौ, नंबर दस, नंबर ग्यारह एम्प्लॉय बेनिफिट, नंबर बारह, नंबर तेरह और नंबर चौदह, और किसी का रह गया क्या, फटाफट अमाउंट प्लॉट करो ताकि हम ये बना पाएं अच्छे से, फटाफट अमाउंट प्लॉट करिए और 50% टैक्स निकाल के बताइए कि क्या आता है, और प्रोविजन फॉर टैक्स में जाके डायरेक्ट एंट्री प्लॉट कर देना, इसके लिए नोट नहीं बना रहे हम, जल्दी जल्दी करिए। अब बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, वो मैं देख लेता हूँ जी। प्रॉफिट निकल गया, ये लो, इन्होंने बताया सर प्रॉफिट है 82
तो न्यू प्रॉफिट मैं न्यू लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 82 ये आया आफ्टर टैक्स, आप पी एंड एल में से निकालोगे। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, टैक्स भी हो गया तो फटाफट से डिले ना करिए, टैक्स लिख दो जाके शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। टैक्स हाँ अभी लेके जाएंगे धीरे धीरे, पहले टैक्स जाके लिख दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में फटाफट से। करंट लाइबिलिटी का पार्ट है सबसे लास्ट, याद आया। अब कहता है कि 5%, देखो ये क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट 5 हो गया, कोई पूछ रहा था मुझसे। अब कहता है कि 15% डिविडेंट है रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन डिविडेंट होता है तो इसका कोई काम नहीं होता, इसे छोड़िए। हाँ डिविडेंड निकालना चाहते हैं तो आप पेड अप शेयर कैपिटल पे निकालिए और नीचे नोट में डाल दीजिए कि रिकमेंडेशन डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड के नाम से। आगे आते हैं, कहता है जनरल रिजर्व में जी 5% भेज दो, तो 5% जनरल रिजर्व यहां से लेस कर देंगे 5% जीआर में। अब 5% किसका, 5% करंट ईयर का नेट प्रॉफिट का 5% जो आ गया 4108, और ये यहां आ जाएगा जीआर 4108। अब टोटल कर देते हैं हम इसको 38640 82160 माइनस 4108, ये आ गया 116692 प्लस 4108, ये आ गया 120800। जाइए नोट नंबर 2 में और लिख दीजिए इसका टोटल, नोट नंबर 2 में और बैलेंस शीट का टोटल करके बताइए ठीक आया या नहीं आया। जो पी एंड एल के अंदर आपका नेट प्रॉफिट निकला होगा उसके ऊपर 50% निकलेगा।